हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अपन देख चुके हैं, फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल है, देखिए स्टूडेंट ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जो एक और ट्राइंगल बन रहा है, तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके डी ई एंड एफ इसका नाम, हुज वर्टाइसेस आर 0, -1, 2, 1 and 0, 0, 3। तो ये वर्टाइसेस है 0, -1, 0, sorry, 2, 1 and 3 is 0, 3। पहले अपने को ये एबीसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है एंड डीईएफ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना तो आसान है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 गिवन है। लेकिन डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। कैसे पता चला मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्लियर कट उसने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। मतलब ये तीनों पॉइंट्स मिड पॉइंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट यूज़ होंगे, ये x1 y1 ये x2 y2। चलिए स्टार्ट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का सिंपल तरीका है x1 x2 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा -1 प्लस 1 अपॉन 2। सो डी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 कॉमा 0 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए डी के, 2 अपॉन 2 कैंसिल हो के 1 1 एंड 0, 0 अपॉन 2 या 0 अपॉन समथिंग इज 0। सो 1, 0 ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब करेंगे अपन ई के कोऑर्डिनेट्स। ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला, ई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब लेंगे e के लिए b और c। तो ये x1 x2 y1 y2। चलिए देखिए e इज इक्वल्स टू x1 इज 2 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस 3 अपॉन 2। ई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 कॉमा 4 अपॉन 2, कैंसिल होके 1 कैंसिल होके 2। सो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 2। नाउ एफ के कोऑर्डिनेट्स, ई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दो 1, 2। एफ के कोऑर्डिनेट्स के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। f इज इक्वल्स टू, चलिए f कौन सी लाइन पे, a और c वाली लाइन पे। तो a x ये x1 x2 y1 y2। सो 0 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा -1 प्लस 3 अपॉन 2। सो f इज इक्वल्स टू 0, 2 अपॉन 2 कैंसल होके 1। सो f के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 1। ये स्टूडेंट d e
और F के कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फाइंड करेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। हाफ ब्रैकेट में X1 Y2 माइनस Y3 प्लस X2 Y3 माइनस Y1 प्लस X3 Y1 माइनस Y2। ठीक है फॉर्मूला कंप्लीट। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। हाफ ब्रैकेट में यहाँ मैंने आपके लिए लिख कर रखी हूँ X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। चलिए X1 क्या है 0 ब्रैकेट में Y2 इज़ 1 माइनस एंड Y3 इज 3 प्लस X2 कितना है 2 ब्रैकेट Y3 इज 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस X3 कितना है 0 Y1 कितना है माइनस 1। देखिए स्टूडेंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 -2 +2 -1 +1 3 + 1 4 0 into -2 सो हाफ ये 0 8 0 सो हाफ इंटू 8 वन टाइम्स 4 टाइम्स सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 4 SQ यूनिट। क्या आया 4 SQ यूनिट। आप निकालेंगे छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। पहले अपन इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। आप डी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 0 ई के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2 एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स है 0, 1। ये X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फॉर्मूला क्या है हाफ ब्रैकेट में X1 Y2 माइनस Y3 प्लस X2 Y3 माइनस Y1 प्लस X3 Y1 माइनस Y2 ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे। हाफ X1 इज़ 1 Y2 कितना 2 माइनस 1 प्लस X2 इज़ 1 Y3 इज़ 1 माइनस 0 एंड X3 इज़ 0 Y1 इज ऑल्सो 0 एंड Y2 इज 2। चलिए हाफ 1, 2 में से 1 गया 1 बचा प्लस 1 में से 0 गया 1 बचा प्लस 0 ये हो जाएगा 0 इंटू माइनस 2 0 इंटू हाफ 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। ये हुआ अपना हाफ 1 + 1 2 कैंसिल हो गया 1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1 SQ यूनिट। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है उसने लास्ट में। देखिए फाइंड द रेशोज ऑफ द ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। फाइंड द रेशोज ऑफ द एरिया ऑफ मतलब रेशो फाइंड करना है बड़े ट्राइंगल का और छोटे ट्राइंगल का। तो पहले उसने बोला है गिवन ट्राइंगल कौन सा है छोटा वाला जो मिड पॉइंट फाइंड कर रहा है और बड़ा ट्राइंगल दोनों का रेशोज फाइंड करेंगे। ठीक है रिक्वायर्ड रेशोज इज इक्वल्स टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो 1/4 1:4 ये हो गया रेशो फाइंड. अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना, पर अपने पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए. ये बना ली मैंने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए, सेकंड कोऑर्डिनेट बी, थर्ड सी एंड फोर्थ इज डी. ओके स्टूडेंट, नाउ अपन एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे. जब एक डायगोनल ज्वाइन होंगी तो क्या फॉर्म होगा, दो ट्राइंगल फॉर्म होंगे. और अपने पास तो ट्राइंगल के फॉर्मूला है. चलिए स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी से. ए बी सी फॉर्मूला इज हाफ. पहले अपन कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. ए के कोऑर्डिनेट है -4, -2. बी के कोऑर्डिनेट है -3, -5. एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2. x1 y1, x2 y2, x3 y3. x2 y3 -y1 एंड x3 y1 -y2. फॉर्मूला कंप्लीट. देखिए स्टूडेंट, चलिए अब अपन वैल्यू पुट करते हैं. x1 की वैल्यू -4, y2 इज -5, -y3 इज -2. ब्रैकेट क्लोज. x2 कितना है -3, y3 इज -2, -y1 इज -2. इंटीजर का बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा. x3 इज 3, y1 इज -2, माइनस y2 इज -5. ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज. हाफ -4, -5, -, +2, +-3, -2, -, +2, +3, -2, -, +5. ब्रैकेट क्लोज. हाफ -4, -5, +2, -3, -2, +2, 0, +3, 5 में से 2 गया 3. चलिए इक्वल्स टू हाफ. -4 × 3 12, +12, -0, +9 is equals to half. Twenty-one by two, sq unit. Now, A के coordinates. अब now दूसरा triangle क्या है? ACD. A के coordinate है -4, -2. C के coordinates है 3, -2. And D के coordinates है 2, 3. X1, Y1. X2, Y2. x3 y3. चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी फॉर्मूला स्टार्ट. x1 y2 -y3 +x2 y3 -y1 +x3 y1 -y2. ब्रैकेट क्लोज.
चलिए वैल्यू पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है, एक्स वन की वैल्यू इज़ माइनस फोर, वाई टू इज़ माइनस टू, माइनस वाई थ्री इज़ थ्री, एक्स टू की वैल्यू कितनी है थ्री, थ्री माइनस वाई वन इज़ माइनस टू, एक्स थ्री कितना है टू, वाई वन इज़ माइनस टू एंड वाई टू इज़ माइनस टू, इसलिए डबल साइन एक साथ नहीं आती इसलिए ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। हाफ माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस टू, माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज, हाफ माइनस फोर, अच्छा माइनस फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, प्लस थ्री प्लस टू फाइव, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन एंड प्लस टू माइनस टू कैंसल, सो ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, सो हाफ ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन थर्टी फाइव, सो हाफ इंटू थर्टी फाइव इज इक्वल्स टू थर्टी फाइव बाय टू एस क्यू यूनिट। अब होल क्वाड्रिलेटरल का फाइंड करेंगे, किसका, पूरे क्वाड्रिलेटरल का, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पहले क्वाड्रिलेटरल का आंसर क्या आया था ट्वेंटी वन बाय टू, दूसरे क्वाड्रिलेटरल का आंसर क्या आया थर्टी फाइव बाय टू, चलिए एलसीएम निकालिए, टू ट्वेंटी वन प्लस थर्टी फाइव कितना हुआ, ट्वेंटी वन प्लस थर्टी फाइव फिफ्टी सिक्स बाय टू, वन टाइम टू टू ज़ा फोर एट ज़ा सिक्सटीन, सो आंसर इज़ ट्वेंटी एट एस क्यू यूनिट। सो होल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आया ट्वेंटी एट एस क्यू यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में पूरे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए बोला था। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, यू हैव स्टडीड इन क्लास नाइन्थ चैप्टर नाइन एग्जाम्पल थ्री दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल्स डिवाइड्स इट इन टू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, मतलब ट्राइंगल की जो मीडियन होती है, मीडियन मतलब एक वर्टाइसिस से फॉल होने वाली लाइन दूसरी साइड पे, उसको मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को ये मीडियन दो इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। तो यहाँ अपने को वेरीफाई करना है ये स्टेटमेंट को कि मीडियन एक बड़े ट्राइंगल को दो इक्वली पार्ट में कट करती है और वो दोनों ट्राइंगल के एरियाज क्या होते हैं इक्वल होते हैं। चलिए अपन वेरीफाई करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले तो डी पॉइंट फाइंड करना है, डी पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि डी इज़ अ मीडियन, क्योंकि पॉइंट मीडियन आके बिल्कुल मिड पॉइंट पे फॉलो होंगी, सो डी फाइंड करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं, डी के मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, सो एक्स वन इज़ थ्री प्लस फाइव अपॉन टू कॉमा माइनस टू प्लस टू अपॉन टू, डी इज इक्वल्स टू सेवन एट अपॉन टू कॉमा ज़ीरो अपॉन टू, तो ये हो गया फोर कॉमा ज़ीरो, सो डी के पॉइंट्स हो गए फोर कॉमा ज़ीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले तो ए बी डी में फिर ए सी डी में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी हमेशा अल्फ़ाबेट क्लॉक वाइज लीजिए, अगर आपने ए डी बी ले लिए तो आपके आंसर में फ़र्क आ जाएगा, अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है फिर बी आता है फिर डी आता है, वैसे ही जब अपन ये ट्राइंगल लेंगे तो ए सी डी लेंगे,
फॉर्मूला इज हाफ ब्रैकेट में y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y जल्दी x3 में क्या आएगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट कंप्लीट हाफ। चलिए a के कोऑर्डिनेट सी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। एक्स वन कितना यहाँ लिख लेते अपन, a के कोऑर्डिनेट फोर कॉमा माइनस सिक्स, b के कोऑर्डिनेट थ्री कॉमा माइनस टू, d के कोऑर्डिनेट फोर कॉमा ज़ीरो। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई थ्री। चलिए x1 की वैल्यू 4, y2 कितना है माइनस टू, y3 ज़ीरो, x3 थ्री, y3 थ्री ज़ीरो माइनस, y1 कितना है माइनस सिक्स, x3 थ्री इज़ फोर, y1 कितना है माइनस सिक्स, माइनस y2 टू इज़ माइनस टू। चलिए स्टूडेंट देखिए अलजेब्रा, अरे इंटीजर बिल्कुल बराबर से ध्यान दीजिए, माइनस टू, माइनस टू में से माइनस ज़ीरो क्या माइनस टू बचा, प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस सिक्स, क्योंकि ज़ीरो प्लस करेंगे तो वही के वही आ जाएगा, प्लस फोर माइनस सिक्स प्लस टू। चलिए आगे हाफ माइनस एट, सिक्स थ्री इज़ एटीन, प्लस सिक्स माइनस सिक्स में से टू गया माइनस फोर, माइनस फोर इंटू माइनस सिक्सटीन हाफ। ट्वेंटी फोर प्लस एटीन इज इक्वल्स टू हाफ माइनस सिक्स, कैंसल वन टाइम्स थ्री टाइम्स, सो माइनस थ्री एस क्यू यूनिट। एक चीज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा नेगेटिव साइन साइन इज जीएबल, सो आंसर इज थ्री एस क्यू यूनिट। ठीक है, चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी हाफ ब्रैकेट में एक्स वन y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 कितना माइनस y2। फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा स्टूडेंट अब आपको। चलिए x1 कितना है वैल्यू पुट कर, पहले फॉर्मूला लिख लेते माइनस सिक्स, c के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं फाइव कॉमा टू एंड d के कोऑर्डिनेट फोर कॉमा ज़ीरो। x1 हो गया फोर, y2 is 2 minus 0, x2 is 5, y3 is 0 minus 6, minus 6 plus x3 is 4, y1 is minus 6, y2 is 2, so half फोर, टू में से ज़ीरो गया टू बचा, माइनस माइनस प्लस सिक्स, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, प्लस फोर इंटू माइनस सिक्स माइनस टू कितना माइनस एट हाफ, एट प्लस थर्टी माइनस थर्टी
हाफ, 8 माइनस 2 इंटू 6 3 टाइम्स, माइनस 2 आया, माइनस 32 में से 30 गया तो माइनस 2 आया, इज इक्वल्स टू 3 एस क्यू यूनिट। देखिए दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ए सी डी, सो मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इंटू टू इक्वल एरिया, हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, अपने 9th क्लास में इसका थ्योरम पढ़े कि मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इंटू द टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन।